इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब अपने कमेंट्स कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जब आपको समझ आएगी अच्छी तरीके से आगे शेयर ज़रूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने दूध लिया है, एक कप मैंने दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो दूध वो मैंने लिया है। इसके अंदर मैंने एक चाय का चम्मच लेमन जूस डाल के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। एक चम्मच लेमन जूस है, इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। अब हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे जो है एक जगह कर लेते हैं। मैदा लिया है मैंने 2 कप, इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर बेकिंग सोडा लिया है 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1.5 चाय का चम्मच, सॉल्ट लिया है मैंने 2 पिंच, अच्छा इसमें कॉफ़ी ली है 1 चाय का चम्मच, इसको भी हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। और ये मैंने इसके अंदर पाउडर लिया है, कोको पाउडर लिया है, ये कम से कम 1/3 कप के जितना लिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून के जितना होगा। अच्छा ये मेजरिंग कप से मैंने नापा है 1/3 कप, इसको इतना लेना है, हमने फुल नहीं भरना है, ये जो 20 कप है इतना लेना है 5 टेबल स्पून। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ सारा अच्छी तरह, इसको मिक्स करके एक जगह करके रख लेंगे। अच्छा ये मैंने मिक्स कर लिया है, मैंने 3 अंडे लिए हैं, इसको मैं हल्का सा पहले बीट कर लेती हूँ। इसे चीनी डाल देनी है, इसके अंदर मैंने एक चीनी लेके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर बारीक कर लेंगे, वो मैंने 1 कप इसमें डाल दी है। इसी के साथ मैं ऑयल डालूंगी, 1 कप के जितना ऑयल है वो भी मैं इसमें डालूंगी। और वैनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर ले लेना है। 3 अंडे लिए मैंने, 1 कप चीनी ली है किसी भी, और 1 कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। इन सबको मैं बीट कर रही हूँ। अच्छा इसमें क्रीम लेंगे हम 1/2 कप, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्की से क्रीम को बीट कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। मैंने 1 कप दूध डाल दिया, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा डालेंगे। जो मैदे का मिक्सचर जब बनाया था, कोको पाउडर और इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले थे मैंने, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, सॉल्ट, वो सब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के बीट करूँगी। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बस ये बीट हो गया, मैं इसको पैन में डालूंगी, इसको मैं पैन में डाल दूंगी। तो सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया, इसको हल्के से टैप करेंगे ऐसे करके। अब इसको हम 180 के ऊपर रखेंगे, कम से कम 35 से 40 मिनट इसको बेक करेंगे। आप देख लीजिएगा डाल के, इसके अंदर डाल के देख लीजिएगा, टूटी या कोई चीज़ डाल के देख लीजिएगा कि अगर वो साफ़ आ रही है तो समझ लें बेक हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको 25 से 30 मिनट तो पहले आप इसको बिल्कुल ओवन को नहीं खोलेंगे आप। अच्छा इसके फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने क्रीम चीज़ लिए 1/2 कप लिए, इसके अंदर सब चीज़ साथ डालना है और बस इसको हमें बीट कर लेंगे। और मक्खन लिया है मैंने 1/2 कप, इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, 1 कप चीनी डालेंगे पूरी। किसी भी चीनी लिए मैंने 1 कप, इसको अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। और इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच मैंने वैनिला एसेंस डाल दिया है। कोको पाउडर लेना है मैंने 2 टेबल स्पून। अच्छा इसके अंदर मैंने ओवल्टीन का पाउडर लिया है, कोई भी पाउडर ले लें आपका, चॉकलेट पाउडर, ओवल्टीन, हॉर्लिक्स, जो भी है आपके पास, ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितना ये ले लेंगे हम इसमें। इसमें वो भी मैं डाल दिया है मैंने। और क्रीम लेंगे हम 1 कप के जितनी, वो भी मैं इसमें डाल। क्रीम को बीट कर लिएगा और ये 1 कप के जितनी क्रीम है, 1/2 कप थी, मैंने इसको बीट किया तो 1 कप की जितनी हो गई है। अच्छा मिल्क पाउडर है, ये भी मैंने लिखा है सूखा दूध 1/2 कप, इसको हम बीट करेंगे। चॉकलेट ली थी नॉर्मल, हमने जो चॉकलेट होती है लाइट वो ले लिए, हमने डार्क चॉकलेट नहीं ले ली, लाइट चॉकलेट ले ली, मिल्की चॉकलेट वो मैंने लिए 1/2 कप, उसको मेल्ट कर लिए और इसको हमने ऐसे ठंडा करके डाल लिए। फ्रोस्टिंग तैयार हो गई है, अब कितनी देर में हमारा केक भी बेक हो गया है, ये देखें इतना अच्छा और सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ। अच्छा इसको हम निकालते हैं, इसको काट देंगे। अब मैं इसको बीच में से काट लूंगी। दो हो गई, देखिए गर्म हो रहा है, फिर इसको थोड़ा ठंडा करना है, फिर फ्रोस्टिंग करनी है।
उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग डाल दी है। उसके ऊपर मैंने कंडेंस मिल लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा फाइन डाल के वो उसको मैंने मिक्स करके वो उसके ऊपर लगाया पहले केक के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर ये फ्रॉस्टिंग डाल रही हूँ। इसको रख दिया मैंने, दूसरा पीस रख दिया है। अब इसके ऊपर भी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, इसके ऊपर भी हमने लगा दिया, इसको फैला देंगे। डेकोरेट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।